दिलीप तू मुझे यहां क्यों लेकर आया? मुरली तुमसे एक राज की बात करनी है, वादा करो किसी को बताओगे नहीं। अरे मेरे यार तेरा हर राज मेरी जिंदगी है, बोल क्या बात है? मुरली राधा मेरी सकी नहीं सौतेली बहन है। सौतेली? हाँ, और उसकी माँ करोड़ों की जायदाद वसीयत में उसके नाम लिखकर मरी है, जो शादी के बाद उसके पति को मिलेगी। सच? सच दिलीप? हाँ, लिखने से पहले हम दोनों के बीच में एक सौदा हो जाना चाहिए। सौदा? हाँ, कि अगर तुम उसके पति बने तो जायदाद का पूरा नहीं आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा उसके सौतेले भाई का यानी के मेरा। आज मैंने जानबूझकर तुम्हारी मम्मी को नहीं बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी पर एक जबरदस्त सरप्राइज दूं। पहले तो वो चौंक जाएंगी लेकिन बाद में राधा जैसी सुंदर रईस खानदान की बहू को देखकर उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। राइट पार्टनर, यू आर ऑलवेज राइट। वाह, मेरी जिंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया रहा है। भैया क्या बात है, ये सजावट? आज हमारे घर में कोई फंक्शन है। राधा आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फंक्शन है, आज मेरी बहन दूसरे की हो जाएगी। मतलब मेरी शादी हो रही है और मुझसे पूछे बगैर? राधा हम महान खानदान के लोग हैं, हमारे खानदान की लड़कियों से ना तो शादी की बात की जाती है और ना ही उनकी राय ली जाती है। ये हमारे खानदान का बहुत पुराना रिवाज है। अगर ये रिवाज हमारे खानदान का है तो माफ करना, बड़ा ही घटिया और बचकाना किस्म का रिवाज है ये। फजूल बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी की शुभ घड़ी बीती जा रही है। हरगिज नहीं। शट अप। देखो राधा मैं प्यार से पेश आ रहा हूं इसलिए तुम भी नरमी प्यार से मेरा हुक्म मान लो, वरना दुनिया जानती है कि दिलीप जिद पे आता तो जमीन आसमान एक कर देता है। आप जमीन आसमान तो क्या, आकाश पाताल एक कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ए पकड़ लो इसे और दुल्हन का जोड़ा पहना कर शादी के मंडप में लेकर आओ। पंडित जी जरा जल्दी करो। खबरदार आगे मत बढ़ना। पंडित जी शादी की सामग्री उठाइए और चलिए मेरे साथ। जल्दी ये दुल्हन का लिबास पहन के कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ। इसका क्या मतलब? दुल्हन का लिबास पहनकर पंडित जी को साथ लेकर कहाँ घूम रही हो? मगर ये मामला क्या है? मेरे भैया जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से मैं उनके चुंगल से भागकर तुम्हारे पास आई हूँ। यार माफ करना, तुम्हारा भाई बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। पहले हम दोनों को अलग करने के लिए मुझे लालच दी, नाकाम रहा तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कहीं और कर देना चाहता है। ऐसा जालिम आदमी भाई नहीं हो सकता, कसाई है। विजय तुम ठीक कहते हो, मैं अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम दोनों के प्यार की सच्चाई और उसके गहराई को दरअसल समझ नहीं सका। मैं पिताजी को दिए हुए वचन के अनुसार राधा की शादी एक बड़े खानदान में करवाना चाहता था। बड़ा भाई बाप की जगह होता है और बहन बेटी की जगह होती है, और हर बाप अपनी बेटी को ऊंचे घराने में विदा करके ही अपना कर्तव्य पूरा करता है। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा करने में जिद और जबरदस्ती की। लेकिन राधा मेरे मन में कोई खोट नहीं थी। बेटे तुम्हें बताओ, क्या तुमने अपनी बहनों की खुशियों के लिए दिन रात खून पसीना बहाकर अच्छे घरों के लड़के तलाश करके उनकी शादी अच्छे घरों में नहीं की? राधा राधा मुझे माफ कर दो, पिताजी के वचन ने मुझे दीवाना बना दिया था। चलो राधा। अरे ये क्या, क्या तुम्हें अपने भाई पर इतना भी भरोसा नहीं? तुम्हारे भैया ठीक कहते हैं राधा,
एक भाई के मन में बहनों की शादी के जो अरमान होते हैं वो उन्हें पूरा करने दो। जाओ। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं भैया, क्योंकि विजय की बात मैं टाल नहीं सकती। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, मैं जी? कमाल है, मैंने पूरा घर छलनी की तरह छान डाला, तुम यहाँ। मेरे प्रभु, मेरे मन की गुरु की तस्वीर देख रही हो, क्यों? सुनिए, ऐसा सलोना सा बालक थोड़े ही दिनों में हमारे घर में भी आने वाला है। ऐसा सुंदर बालक हमारे घर में? सच? तुम फिर से माँ बनने वाली हो? जी, जी, कैसी गंदी बातें करते हो, मैं क्या इस उम्र में गर्भवती बन सकती हूँ क्या? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि ऐसी तस्वीर बहू के कमरे में लटकाएंगे। बहू के? ऐसा बच्चा पैदा हो, मेरा बेटा बाप बन जाए। हाँ। और मैं दादा बन जाऊँ? हाँ, तो हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? इसमें बुराई क्या? वाह, मेरे जवानी के ताजमहल पे बुढ़ापे का चूना लगाना चाहती हो? हाँ? एक बात बताऊँ? एक काम करो, तुम बच्चे को जन्म दे दो, अपन बच्चे को है ना बहू की गोद में डाल देंगे, बच्चे का बच्चा हो जाएगा और जवानी की जवानी रह जाएगी। क्या बेहुदा बातें करते हो? इसमें बेहुदा क्या है? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर खटमल मारे से किताब लेकर आया हूँ। किससे? खटमल मारे से, वो खटमल से दवा बनाता है, इसमें लिखा है किसी भी उम्र में बच्चा पैदा किया जा सकता है। देखो, अरे देखो तो सही। भगवान, ये आदमी कब सुधरेगा? अरे यार, सुधरते वो हैं जो कभी बिगड़े होते हैं, जो पहले से बिगड़ोगे वो क्या सुधरेंगे? अभी डिटेल मत करो, इमरजेंसी बच्चा पैदा कर दो। क्या कर रहे हो तुम? कौन सी चटाई? अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, बहू बोल रही, वो आ रही है, जल्दी से इस किताब को छुपा दो, नहीं तो तुम्हें और मुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना पड़ेगा। अरे कोई चिल्लू भर पानी में डूब के मरता क्या? झूठी बात है। अरे तुम जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? अरे यहाँ कहाँ छुपा रहे हो? मुंह में भी नहीं। अरे क्या यार, किसी की चोरी कर रहे हैं क्या हम लोग? जल्दी करो, सारी जिंदगी तकिए में गुजर जाएगी। माँ जी, आपके बेटे टेरेस पर बैठकर किसी केस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। इसलिए उन्होंने ये कंबल और ये तकिया मांगा। ये नहीं, ये मैं मेरी जवानी मैं बर्बाद हूँ क्या? राम राम राम, तभी तो कहा करती थी कि ऐसी गंदी किताबें मत खरीदो मत खरीदो, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे कान में जो नहीं रेंगती। अब अगर ये किताब मेरे बेटे के हाथ में लग गई तो क्या होगा? वो किताब रख लेगा, वापिस नहीं देगा, मेरे 250 रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना? क्या हुआ? ये तकिया इतना सख्त क्यों है? सख्त? कितनी गंदी किताब है, ऐसी गंदी किताब आप तकिए में छुपा कर रखते हो? अरे मैंने नहीं छुपाई है। तुमने नहीं छुपाई? नहीं। क्या मतलब, तुम्हारे पिताजी ने छुपाई है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पिताजी एक जमाने में बहुत रोमांटिक आदमी हुआ करते थे, जिस मोहल्ले से गुजरते थे मोहल्ले वाले अपनी बीवियों को लेकर भाग जाते थे। अब मुझे लगता है ये उन्हीं के कोर्स की किताब है। Oh, I'm getting younger by day. One day I will disappear. अरे आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्या है कि मेरे एक दोस्त की पत्नी मर गई है, उसके घर पार्टी में जा रहा हूँ। बीवी मर गई और उसके घर में पार्टी? नहीं नहीं, डिटेल में मैं हमेशा गड़बड़ करता रहता हूँ। क्या है, बीवी मर गई तो पूरे दोस्तों की जो पार्टी है ना, हाँ? वो मैयत में जा रही है, अर्थी में जा रही है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा। सुनो, मेरे शाम को खाना मत पकाना। क्यों? नहीं, इतनी बुरी बात सुन के भूख नहीं लगेगी ना। अरे अरे, तो मैं जाऊँ? जाइए, अपना कोट लेके जा रहा हूँ। हाँ, ले जाइए। मैं जाता हूँ। घर आज दुल्हन, राम नाम सत्य मालिक। क्या बोला बे? राम राम मालिक। अरे क्या बात है, आज तो बहुत सजहत के जा रहे हैं, कोई खास चक्कर है? हम भी साथ चले। नहीं नहीं, मैं किसी की मैयत में जा रहा हूँ, तू कहाँ आएगा? अच्छा, बनारसी पान समझ के चूना लगा रहे हैं, मैयत पे जा रहे हैं या खुद किसी पे मरने जा रहे हैं? अबे मैयत में जा रहा हूँ। हाय, मैयत में जाने के लिए इतना खुशबूदार सेंट छिड़क के जाने की जरूरत क्या है? अबे समझा करना यार, आवाज तुम्हारे अंदर जा रही है। पुलिस है माँ। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक चीज और भी है। चीज कहाँ? माना तो किसी नहीं, माना तो नहीं अंजाम होता, और फंसे का सारे जिंदगी। चलो कभी कौन हो तुम? मैं मेहमान। मेहमान घर में होता है कि कबाड़ में होता है? घर में जगह नहीं थी तो मैं कबाड़ में बैठ गया। अच्छा, चलो आप चलो। अरे यार तुम भी चलो। मुझे क्यों? ए चलो, जमानत हो गई तुम्हारी, चलो।
अरे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मगर एक मेहरबानी करेगा, हाँ। इस बारे में तेरी माँ को कुछ मत बताना। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें सब मालूम है। मालूम है? हाँ, उनके कहने पे तो मैं आपकी जमानत के लिए आया हूँ। क्या बात करता है यार। हाँ वो देखिए, वहाँ आपका इंतजार कर रही है माँ। अरे बाप रे, मर गया, क्या आदमी है यार। लक्ष्मी मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं काशी जा रही हूँ। क्यों? क्यों क्यों जा रही हूँ? ताकि गंगा मैया की गोद में मैं लीन हो जाऊँ, शायद इससे आपके पापों का प्रायश्चित हो जाए। नहीं, डूब के तो मुझे मर जाना चाहिए, मगर मैं दुनिया के किसी भी पानी में डूबने के लायक नहीं, इतना पापी हूँ कि हमेशा जवान बने रहने के चक्कर में ये बचपना करता रहता है। अब नहीं करूंगा, वादा करता हूँ, एक बार ना होकर तो फिर कभी नहीं करूंगा, कसम से। बस मेरी कसम? तुम्हारी कसम खाता हूँ। नहीं करेंगे ना? नहीं करूंगा। अच्छा चल, घर चल। चले? मुंह में तुम तो डाला मुझे दो। ये बैग में कपड़ों के साथ फर्नीचर भी ले जा रही थी क्या? नहीं, ऐसी मजाक कर रहे थे मैंने। चलो लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपका नाश्ता और अखबार। अरे हर रोज यही नाश्ता करते करते बोर हो गया, कोई नया नाश्ता पेश करो यार। ऐसा नाश्ता कहाँ से बना कर लाऊं? अरे बना कर लाने की जरूरत नहीं मैम साहब, वो तो ऊपर वाले ने कप का बना कर नीचे भेज दिया है। ऊपर वाले ने भेज दिया? कौन सा नाश्ता? ये नाश्ता। वो बुरा मान जाएगा। वो कौन भाई? अरे कौन बुरा मान जाएगा? वही जो आने वाला है। ओ, वो जो आने वाला है। अरे उसके साथ तो अपनी भी दोस्ती है, जरा पूछ तो लेते हैं। हेलो हाय। अरे भाई, अरे सुन, वो छोटे वाले नाश्ते की परमिशन है ना? थैंक यू, मिल गई परमिशन, अब तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए।